इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है। इंसानियत मर रही है या मौत के दहाने पर खड़ी है। WHO के मुताबिक ये वायरस मजमे और भीड़ की वजह से पनपता है। इस वायरस को रोकने की तदबीर यही है कि भीड़ और मजमे पर काबू पा लिया जाए। जिंदा रहेंगे तो मस्जिद भी आबाद होगी, इबादत भी होगी। इसलिए मदारिस और मकातिब को छुट्टी दे दी गई और मस्जिदों के माइक से अजान मौकूफ़ कर दी गई है। इस भीड़ और मजमे पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि अब हम मस्जिदों में 5 या 7 लोग नमाज़ अदा करें और वो लोग भी पब्लिक कांटेक्ट में न रहें और बकिया लोग अपने घरों पर अजान और जमात के अहतमाम के साथ नमाज़ अदा करें। अगर इंसानों को हलाक होने से बचाने के लिए हम जमात की नमाज़ का सवाब छोड़ देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से हमें उम्मीद है कि वह हमें कई गुना जमात का सवाब अता फ़रमा देंगे। फ़िक़ा की किताबों में हमने पढ़ा है कि अगर कोई बीमार हो और हमारे सिवा कोई तैमरदार ना हो तो हम घरों पर ही नमाज़ अदा करें। हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद हैं, लेकिन वो महज़ आपकी ज़्यारत इसलिए नहीं कर सके कि उनकी वालिदा बीमार थी। मेरे भाई, इस वक्त तो पूरी दुनिया बीमार है। एक दो ज़ख्म नहीं, सारा बदन है छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। यह ज़िम्मेदारी जितनी हुकूमत की है उतनी ही ज़िम्मेदारी हम जनता और आवाम की भी है कि हम इसमें आगे आएँ और हाथ बटाएँ।